आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो टॉपिक डिस्कस किया था वो क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हम लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में देख रहे हैं। ठीक है जी, तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है, ये कहता है कि मतलब दो चीज़ों को हमने देखना है, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को हमने इसके अंदर देखना है और दोनों को प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव करना है, फॉर एग्जाम्पल के मतलब कोई भी सोर्स हम लेंगे, ठीक है जी, कोई भी सोर्स हो तो एटम्स का कोई भी सोर्स हो तो उससे जो कंपाउंड बनेगा उसकी जो रेशो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद है वो भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। क्लियर हो जाएगी बात, क्या चीज़ कि हम कोई भी सोर्स लेंगे तो उससे क्या होगा कि एलिमेंट जो है जो मौजूद है उसके अंदर वो भी सेम रहेंगे और उसकी जो रेशो है वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब इसके अंदर दोनों चीज़ें आ गई हैं, मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस भी आ गई है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी आ गई है। क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे आ गई है कि हम कह रहे हैं कि उसके अंदर एलिमेंट्स जो है वो भी सेम रहेंगे, एलिमेंट सेम रहेंगे मतलब उसकी जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्वांटिटी से निकला है, मतलब मिकदार सेम रहेगी तो उसकी फिक्स रेशो, जो एलिमेंट्स की फिक्स रेशो है कंपाउंड के अंदर जो होगी वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर हो जाएगी बात, तो हम अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आ सकती है। तो हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, हमारे पास एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मतलब दोनों चीज़ें, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर क्या चीज़ मौजूद होगी हमारे पास, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है कौन कौन सी है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम रहनी चाहिए। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होगा कि रेशोज ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर हो जाएगी बात, मतलब इसके अंदर जो है हमने देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट है वो सब के अंदर सेम होने चाहिए, डिपेंड नहीं करता कि कौन सा सोर्स होगा। अगर कंपाउंड सेम है तो उसके अंदर जो टाइप्स होगी एलिमेंट्स की वो भी सेम रहेगी, ठीक है नहीं। और अगर हम रेशो की बात करते हैं, मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं, तो उसके अंदर एलिमेंट्स की रेशो भी जो है ना वो सेम रहनी चाहिए, सेम एलिमेंट्स होनी चाहिए और उनकी रेशो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम तीन सोर्स की बात करते हैं, एक दो सोर्स की मतलब डिफरेंट सोर्सेज की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम डिफरेंट सोर्सेज की बात करते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है वाटर। अब वाटर जो है उसके मैं तीन डिफरेंट सोर्सेज ले लेता हूं। पहला मैं कहता हूं मैरीन वाटर है, ठीक है जी, समंदरी पानी है। और दूसरा जो है वो क्या है, टैप वाटर, मतलब नल के अंदर जो पानी होता है वो टैप वाटर है। और जो लास्ट वाला है मैं कहता हूं कि इसके अंदर क्या है, लैब वाटर, ठीक है जी। अब तीन सोर्सेज है हमारे पास, मैरीन वाटर, टैप वाटर और लैब वाटर। और तीनों वाटर एक दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है। कैसे मुख्तलिफ है, इसके अंदर मैरीन वाटर जो है उसके अंदर साल्ट जो है वो ज़्यादा होता है, टैप वाटर के अंदर जो है इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होगी, ठीक है जी। और जो लैब वाटर होता है उसको हम डिस्टिल्ड वाटर भी कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर का मतलब इसके अंदर नो इम्प्योरिटीज़। क्लियर हो जाएगी बात, तो हमारे पास तीन डिफरेंट सोर्सेज है और उनके अंदर मतलब मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद है, इसके अंदर साल्ट ज़्यादा मौजूद है, इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा मौजूद है और इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर कोई भी चीज़ मतलब डिस्टिल्ड वाटर है, इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी या साल्ट वगैरह मौजूद नहीं है। अब थ्री डिफरेंट सोर्सेज है, इसके अंदर हम देखेंगे दोनों चीज़ें, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स जो है ना वो सेम होनी चाहिए। वाटर का जनरली फार्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है नहीं, वाटर का जनरली फार्मूला क्या होता है, H2O। अब हम देखेंगे कि वाटर आया के सेम रहता है। अब मैरीन के अंदर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मौजूद होते हैं, टैप वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मौजूद होते हैं और लैब वाटर के अंदर भी क्या मौजूद होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मौजूद है। तो पहली जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गई है,
मतलब के टाइप्स ऑफ एलिमेंट जो हैं वो सेम हैं। इसके अंदर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही थे, और वैसे भी क्या है मैरीन के अंदर, टैप वाटर के अंदर, लैब वाटर के अंदर, सब के अंदर क्या है सेम ही टाइप्स के एटम्स हैं, दो ही टाइप्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हमने देखना है दूसरी चीज़ क्या चीज़, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब रेशो देखनी है एलिमेंट्स की, मतलब यहाँ पर कितने होंगे, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यहाँ पर भी कितने होंगे, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी क्या होंगे, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होगा। रोजी की बात, मतलब रेशो भी जो है वो सेम है। अब रेशो अगर मैं एटॉमिक मास या ग्राम्स की सूरत में कर लूँ तो कैसे होगी कि हमारे पास दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन की क्या होगी एटॉमिक मास एक होता है, तो दो रेशो कितना आ जाएगा, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है जी। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2:16, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2:16, ठीक है जी। और अगर मैं इसको मतलब सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये क्या आ जाएगा 1:8, 1:8, 1:8। मतलब कोई सा भी सोर्स हमने इस्तेमाल किया है उसके अंदर क्या है कि जो रेशोज है एलिमेंट्स की वो भी सेम है, और उसके अंदर जो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है वो भी क्या है सेम है, और यही क्या होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, ठीक है जी। तो आगे हम देखते हैं एक एग्जांपल की मदद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आगे हमने जो एग्जांपल देखनी है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की, कि हमारे पास जो है हमने दोनों चीज़ों को देखना है, मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों को हमने करना है, मतलब हमने रेशो को मालूम करना है और साथ में देखना है कि एटम्स आया के सेम मिकदार में मौजूद है या नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, इसके अंदर दो पार्ट्स है, दो मुख्तलिफ सोर्सेज है जहां से हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक के अंदर क्या है कि 0.43 ग्राम है मैग्नीशियम का, और ये कंबस्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस कर रहा है क्या चीज़, 0.403 मैग्नीशियम ऑक्साइड। और दूसरे केस के अंदर क्या है कि 0.182 जो है मैग्नीशियम है वो कंबस्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस कर रहा है क्या चीज़, 0.30 ग्राम किस चीज़ का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। क्लियर हो जी की बात। तो इसके अंदर हमारे पास दो एग्जांपल है, दो डिफरेंट सोर्सेज है जिससे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हम देखेंगे आया कि दोनों के अंदर जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जो रेशो है आगे जो बनती है वो सेम है या नहीं है, ठीक है जी। दोनों सेम कंबिनेशन के साथ आपस में मिलते हैं या नहीं मिलते। तो हमारे पास इसके लिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की हमें रेशो मालूम करनी चाहिए, ठीक है जी। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रेशो हमने ए पार्ट के लिए भी मालूम करनी है और बी पार्ट मतलब इसके लिए भी रेशो मालूम करनी है और देखना है कि दोनों की सेम आती है या नहीं आती। यही लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है वो साबित करता है। तो हमारे पास अगर हम देखें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की इसके अंदर हम देखें तो हमारे पास मैग्नीशियम जो है वो हमारे पास मौजूद है, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास मौजूद है और हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन कैसे मालूम कर सकते हैं हमारे पास, अगर देखें हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर दो ही चीज़ें हैं, एक मैग्नीशियम और दूसरा ऑक्सीजन। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर से अगर मैं मैग्नीशियम को निकाल दूँ तो बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास, ऑक्सीजन, ठीक है नहीं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के जितना मकदार है तो उसके अंदर से मैग्नीशियम को निकाल दें तो कितना आ जाएगा, 0.160 ऑक्सीजन की मकदार आ गई है, ग्राम्स आ गए, ठीक है नहीं। और अगर हम दूसरी एग्जांपल की बात करें तो दूसरे जो एग्जांपल है उसके अंदर भी यही करेंगे कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है 0.30 ग्राम, उसमें से हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम का निकाल देंगे और बाकी क्या बचेगा, ऑक्सीजन का बचेगा। अब दोनों के अंदर हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीशियम भी आ गया है और ऑक्सीजन भी आ गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दोनों के अंदर रेशो मालूम करनी है। तो रेशो कैसे मालूम कर सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की पहले केस में क्या होगा, मैग्नीशियम का कितना होगा 0.4243, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या है 0.160, ठीक है जी। मैग्नीशियम ये है और ऑक्सीजन ये है इसके अंदर। और दूसरे बी केस के अंदर हमारे पास मैग्नीशियम कितनी है 0.182 और ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास 0.120, ठीक है जी। अब दोनों की अगर हम रेशो मालूम करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली दोनों की क्या आती है 1.51 और इसकी भी क्या आती है 1.51, ठीक है जी। तो दोनों की रेशो जो है वो क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जो है वो फिक्स रेशो से आपस में मिल रहे हैं। क्लियर हो रही बात। तो हमारे पास अगर हम इसकी रेशो मालूम करें, मतलब ये तो हमने
वो मालूम कर दिया है, मकदार मालूम कर दी है। अगर हम इसकी रेशो मालूम करें तो 3:2 आएगी, और यहाँ पर भी क्या आएगी, 3:2 आएगी। ठीक है जी, ये रेशो हमने आशारिया में निकाल दी थी। अगर हम होल नंबर के अंदर निकालना चाहते हैं तो क्या आएगी, 3:2 आएगी, और यहाँ पर भी 3:2 आएगी। क्लियर हो जाएगी बात। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो रेशो है एलिमेंट्स की वो सेम रही है। और अगर हम यहाँ पर वो भी देखें, मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, तो वो भी सेम है। मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है इसके अंदर, और इसके अंदर भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मौजूद है। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और आगे जो है हम देखेंगे लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन का पार्ट 3, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।